व्हाट्सअप बिल्डर्स, कैसे हो आप सब? तो बिल्डर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पुराने टॉपिक के ऊपर है गाइस। एक मैंने वीडियो अपलोड की थी हाउ टू आइडेंटिफाई फेक सप्लीमेंट, तो उसमें मैंने आइडेंटिफाई करवाया था कि आप फेक सप्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने यूज़ किया था, मतलब जो ब्रांड दिखाया था अल्टीमेट का था, प्रोस्टार। तो गाइस, उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने, लेकिन एक चीज़ मेरे से वहाँ पूछी गई थी, एक चीज़ की अगर जब हम लोग इसका मिक्सिबिलिटी करते हैं तो उसके अंदर जाग बनता है कि जब आप उसको शेक करते हैं, क्योंकि फेक सप्लीमेंट को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं और डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी अमाउंट खर्चा कर रहे हैं इस सप्लीमेंट के ऊपर से, आपको एक फेक सप्लीमेंट मिल जाएगा तो आपका मन तो खराब होगा ही ना यार, क्योंकि 4-5 हज़ार कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। मेरे से ये पूछा गया था कि जब आप इसकी मिक्सिबिलिटी करते हैं तो उसके अंदर झाग बनता है। तो गाइज, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो में हम वही चीज़ आइडेंटिफाई करने वाले हैं, क्योंकि जब इसका आप शेक बनाएंगे तो इसके अंदर हल्का सा झाग आता है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फेक सप्लीमेंट है। तो वही चीज़ हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसकी मिक्सिबिलिटी में ये सब हो रहा है कि मतलब आपको झाग मिल रहा है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मंगते नी खोदे असी पुत डाकुआ दे, हौ पग इक तीरा दा शहरा ना नहीं रलदा। गाइस, पहले हम थोड़ा पाउडर ऐड करेंगे, मैंने ऐड कर लिया। गाइस, ज्यादा पानी ना ऐड कीजिए आप। तो गाइस, ये देखिए इसके अंदर झाग बन रहा है हल्का हल्का, आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं? देखिए आप, हल्का हल्का इसके अंदर झाग बनेगा ऐसा। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक सप्लीमेंट है कि नहीं, क्योंकि अंदर इसके अंदर झाग नहीं आएगा तो ये फेक है। तो इसके अंदर झाग आ रहा है तो ये एक 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो गाइस, ये भी छोटी सी ट्रिक है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले क्लियरली दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, शेक करने के बाद इसके अंदर हल्का सा झाग आ रहा है, आप देख पा रहेंगे। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेक है कि या ओरिजिनल है। तो जो ओरिजिनल रहता है उसके अंदर हल्का सा झाग आता है जब आप इसको मिक्स करते हैं। अगर इस साथ झाग नहीं आ रहा तो समझ लीजिए वो नकली प्रोडक्ट है। ज़्यादा पानी ना यूज़ कीजिए आप, सिर्फ 100 से 200 ml तक ही यूज़ कीजिए। तो ये हल्का सा झाग है इसके अंदर, ये देखिए मेरी बोतल को पूरा टच हुआ है। गाइस, आपने देख लिया है कि मिक्स करते टाइम थोड़ा हल्का सा झाग बनता है इसका, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट में होता है। अगर फेक प्रोडक्ट रहेगा तो ऐसा झाग नहीं बनेगा, वो ऐसा ही रहेगा सिंपल, जैसे नॉर्मल पानी के जैसा। तो होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे भी आप आइडिया लगा सके कि ये फेक है या ओरिजिनल है। तो गाइस, ये थी एक और ट्रिक जिससे आप अपना सप्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप अल्टीमेट यूज कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगा। तो गाइस, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट सप्लीमेंट के बारे में आपको और क्लियरली बता सकूँ।